से अरुधरी लाली लंगुर बज दे है दानव दलन जय 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 कपिसुर। अच्छा सालासर कौन कौन गया है? सालासर गए? कई लोग मैंने देखे जो हमसे कहते संदीप भाई आजकल बाबा सुन नहीं रहा है। सच तो ये बाबा तो सबकी सुन रहा है, आप नहीं सुन रहे बाबा की। जिस दिन आप बाबा के सुनने लग जाओगे ना, यकीन मानो बाबा आपकी खूब सुनेगा। ये बार कहिए सालासर में देखो भवन बना है भारी। बोलो सर में अगर अपने परिवार के संकट दूर करवाने हो तो मेहंदीपुर जाओ, संकट दूर करवाने हो तो मेहंदीपुर जाओ, और बाबा से माल खजाना चाहिए हो, दौलत चाहिए हो तो सालासर जाओ। है कि नहीं? कौन कौन जाने को तैयार है? मैंने तो नहीं कहा, तो उठाओ गाओ और कहो सालासर में देखो भवन बना है भारी। सोने और चांदी की चमक अनोखी न्यारी। सोने और चांदी की चमक अनोखी न्यारी। मंदिर की छटा निराली सुध बुध खो देने वाली। मंदिर की छटा निराली सुध बुध खो देने वाली। पहले पहले भगत अंदर गया, बाबा के दर्शन किए और जैसे अंदर पहुंचा तो सोना सोना, आहा गोल्डन गोल्डन, उसका दिल भी गोल्डन गोल्डन हो गया, उसकी किस्मत भी चांदी चांदी हो गई। और जब बाबा से बातचीत करके बाहर निकला, सालासर मंदिर के गेट के पास पहुंचा, तो सबसे पहले उसका मोबाइल निकला और एक सेल्फी बनाई। और ऐसा क्यों मैं बताऊं, सही में जा रही हो, ऐसे मत जाया करो दो चार साथ में चले जाएंगे। हाँ एक बार कहो ऐसा तो सालासर वाला है भक्तों का रखवाला है। बोलो ऐसा तो सालासर वाला है भक्तों का रखवाला है। देखिए आप यहाँ चाहे आधा घंटा बैठो, चाहे एक घंटा बैठो, चाहे ताली बजाओ या ना बजाओ, चाहे भजन गाओ या ना गाओ, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है सर। हेलो, हाँ फायदा आपका ही है। बल्कि अगर कुछ चाहिए बाबा से तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, दरबार में जब भी आओ, दरबार में जब भी आओ, बाबा के सामने जोत करो ना, तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करो कि बाबा कुछ अच्छे कर्म मैंने किए जो तूने अपने कीर्तन में हमको बुलाया। और इतना शुक्रिया अदा करने के बाद उससे मांगना कुछ नहीं, उससे मांगना तो ये मांगना कि बाबा तूने एहसान किया जो मुझको यहां बुलाया, एक कृपा और कर दो। आज मेरा पड़ोसी चाहे मुझको कितनी भी बातें करे, डिस्टर्ब करे, आज वो हमको डिस्टर्ब ना कर पाए, हम पूरी ईमानदारी से आज तेरा कीर्तन कर ले। अगर इतनी कृपा कर दोगे तो सच कह रहा हूं साहब, आपको दुनिया से नहीं, आपको बाबा से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सांवरा इस ईमानदारी के बदले में आपको पूरी ईमानदारी से आपके घर पहुंचा देगा। कौन कौन चाहता कि आज ऐसी कृपा बाबा कर दे? कौन कौन ईमानदारी से कीर्तन करेगा? ये दोनों हाथ में लंबे और लगा के तले कहेंगे क्या ऐसा तो सालासर वाला है भक्तों का रखवाला है। ऐसा तो सालासर वाला है भक्तों का रखवाला है। वो लाल लगोटे वाला माता अंजनी का लाला। वो लाल लगोटे वाला माता अंजनी का लाला। भक
पतितों के कष्ट मिटाए, विपदा को दूर भगाए। भक्तों के कष्ट मिटाए, विपदा को दूर भगाए। ऐसा तो साला सर वाला है भक्तों का, ऐसा ऐसे भजन गाओगे तो बाबा क्यों नहीं सुनेगा। कौन कौन सुनाने आया है, और आगे आ जाओ, सारे आगे आ जाओ और मिलके एक साथ जोड़ा जोड़ा। और सबसे बड़ी बात सुनना, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि सुंदरकांड करने से क्या फायदा, हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या फायदा। उनको जवाब देना, क्या सुंदरकांड करे जो हनुमत खुश हो जाए। सुंदरकांड करे जो हनुमत खुश हो जाए, मतलब की बात, उन पर कृपा होती, उन पर कृपा होती हनुमान चालीसा जो गाए। उन पर कृपा होती हनुमान चालीसा जो गाए। बताने की आवश्यकता नहीं है, आज का जमाना गिव एंड टेक का है। अगर आप इसके कीर्तन में आके मुंह बना के चले जाओगे तो आपसे ज्यादा समझदार वो है। वो अगर मुंह बना के चला गया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे साहब। लेकिन जो इसके कीर्तन में बैठ के तालियां पीटेगा, हाथ में लाल कर लेगा, तो यकीन मानो तुम तो अपनी औकात के हिसाब से हाथ लाल करोगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए बाबा अपने हाथ में छाले भी लेके आ जाएगा। कौन कौन चाहता कि बाबा इतनी कृपा कर दे। कहिए क्यों, जो ध्यान रखे है इनका, ये ध्यान रखे है उनका। जो ध्यान रखे है इनका, वो ध्यान रखे है उनका। ऐसा तो साला सर वाला है भक्तों का, नजर न लगे। कुछ लोगों को छोड़ करके बहुत लोग जागरूक हो गए। कौन कौन चाहते कि मेरे बाबा भी हमारे लिए जागरूक रहे, हमारे परिवार के लिए जागरूक रहे। एक बार अपने परिवार के लिए दोनों हाथ ऊपर लंबे लंबे लगा के ताली एक साथ, एक दो तीन बजाओ ना। छोड़ो दुनियादारी मोह माया को त्यागो, छोड़ो दुनियादारी मोह माया को त्यागो। भक्त शिरोमणि है ये, भक्त शिरोमणि है ये, पर भक्ति का मांगो। भक्ति शिरोमणि है ये, पर भक्ति का मांगो। अगर इन्होंने आपकी तालियां सुन के कृपा कर दी तो सुनना, बिंदु भक्ति मिल जाए रास्ता रोशन हो जाए। बिंदु भक्ति मिल जाए रास्ता रोशन हो जाए। अगर हमारी जिंदगी का रास्ता रोशन हो जावे तो तब तो कहोगे ऐसा तो साला सर भक्तों का, ऐसा तो पन की भक्तों का,
किसका किसका रखवाला है, एक बार लंबे लंबे हाथ ऊपर और लगा के तले कहेंगे क्या। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। हम इसीलिए 12 घंटे का ठेका नहीं लेते, 4 घंटे में कमर दुख रही है। अच्छा वो बता दिया, अगली बार से 3 घंटे में बुलाएंगे, लेकिन एक बार इनके लिए ऐसी ताली रहो इनके कमर दर्द ठीक हो जावे। कौन कौन चाहता है कि बालाजी मरा देंगे सोटा मारे, या दोनों हाथ लंबे लंबे और लगा की ताली सर देंगे क्या। रघुपति राघव राजा राम, पति तू पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति तू पावन सीताराम। माइक पे कोई मत बोलना, सारे भक्तों की आवाज बाबा के कान तक जानी चाहिए, बोलिए सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। इसी जगह महात्मा गांधी हमको भटका गए, ईश्वर अल्लाह कह के गए, हम बेवकूफ बन के चले गए ईश्वर अल्लाह चक्के में, कि वो आज तक ईश्वर नहीं माने, हम अल्लाह माने। कहना ये चाहिए कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता राम सीता राम, भज मनवा तू सीता राम। सीता राम सीता राम, भज मनवा तू सीता राम। रघुपति राघव आप ही बोलो, रघुपति पति तू पावन सीताराम। बोली बालाजी महाराज की जय।